Hi friends, welcome to my channel Wrestling Badshah. मैं हूँ यश. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE चैंपियनशिप के मैच के रिजल्ट के बारे में एंड एज एंड रोमन रेंस की बड़ी अपडेट के बारे में भी. दोस्तों, अब बस दो हफ्ते बाकी है WrestleMania 36 के लिए. आपको पता ही है कि WrestleMania 2 दिन का इवेंट होने वाला है. अब इन दो हफ्तों के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग WrestleMania कि वो कब होगा, कहाँ पर होगा एग्जैक्टली और कितने लोगों के सामने होगा. अब दोस्तों, कौन सी मेजर अपडेट्स आई है रिगार्डिंग WWE चैंपियनशिप मैच एंड इवन एज एंड रोमन रेंस के ऊपर, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में. पर उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ. दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए. अब दोस्तों, WrestleMania के लिए 2 Raw और 3 SmackDown बाकी है होने के लिए, और ये सभी शोज प्रोबेबली परफॉर्मेंस सेंटर से ही होंगे इन फ्रंट ऑफ जीरो क्राउड्स. और ये वायरस के आउटब्रेक के चलते हमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है. पोस्ट रेसलिंग ने रिपोर्ट दिया है कि जो बचे हैं रॉ एंड स्मैकडाउन, उसके एपिसोड्स WWE पहले ही टेप करेंगे. और रही बात WrestleMania की, तो आपको पता है कि 2 दिन होने वाला है WrestleMania. तो कहा यह जा रहा है कि WrestleMania के दोनों शोज की टेपिंग नेक्स्ट वीक होने वाली है. तो मे बी इसका मतलब ये होगा कि WrestleMania शायद लाइव नहीं होगा. अगर नेक्स्ट वीक में WrestleMania की शूटिंग हो जाती है 2 दिन की, तो फिर हमें WrestleMania के दिन जो टेपिंग वाली फुटेज है वही दिखाएंगे WWE. ये लाइव नहीं होगा जैसे हर साल होता है. पर दोस्तों, WrestleMania के लिए स्टिल 2 हफ्ते बाकी है. इन 2 हफ्तों में काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर क्या चेंजेस आते हैं WrestleMania में एंड इवन रॉ एंड स्मैकडाउन में. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है WWE चैंपियनशिप मैच से. दोस्तों, जैसे आपको पता है कि WrestleMania 2 दिन होने वाला है, April 4 सैटरडे को एंड इवन April 5 संडे को भी. और April 4 को जो मैचेस होने वाले हैं वो होंगे ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर WWE चैंपियनशिप. सेकंड होगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ले फॉर NXT वुमेन्स चैंपियनशिप. थर्ड होगा अंडरटेकर वर्सेस AJ स्टाइल्स. फोर्थ होगा केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस. और April 5 को संडे को जो मैचेस होने वाले हैं वो होंगे रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप. नेक्स्ट इज शाइना बेसलर वर्सेस बेकी लिंच फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप. एंड थर्ड इज जॉन सीना वर्सेस द फीड ब्रे वाइट. WrestleMania 2 दिन का होने वाला है. उसी ट्वीट के ऊपर रोमन रेंज ने रिस्पॉन्ड किया था. रोमन ने ये ट्वीट किया कि 2 नाइट का WrestleMania होगा. अब WWE का ये बड़ा इवेंट और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है. उसमें से एक नाइट तो होगी बिग डॉग की, और दूसरी वाली किसकी होगी ये हमें देखना होगा. #main event. तो यहाँ पर रोमन रेंज ने एक टाइप से स्पॉइलर दे दिया है कि रोमन रेंज करेंगे एक नाइट में मेन इवेंट. पर इस रोमन रेंज के ट्वीट के ऊपर एज ने रिप्लाई किया है. एज ने कहा है कि ये काफ़ी क्यूट बात की है बिग पब, बट अगर तुम रियलाइज करो या फिर नहीं करो, अगर रैंडी ऑर्टन के पास दम है मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फॉर WrestleMania, तो हमने हमारी जगह ऑलरेडी बुक कर ली है मेन इवेंट के लिए. और 9 ईयर्स के बाद ये वुल्फ वापिस से आ गया है बैक इन द यार्ड. #LastManStanding #MainMainEvent. तो दोस्तों, यहाँ पर एज ने काफ़ी शॉट्स लिए हैं रोमन रेंज के ऊपर. अप्रैल 4 एंड अप्रैल 5 की जो मैंने मैच लिस्ट आपको बताई है, उसमें एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है. तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये मैच कहाँ पर होता है, अप्रैल 4 को या फिर अप्रैल 5 को, एंड क्या ये मेन इवेंट करता है या फिर नहीं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रोमन रेंज का एज को रिस्पॉन्ड करना अभी बाकी है. तो फिर हमें देखना होगा कि रोमन कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं एज को, और क्या एज ने ये सब शॉट्स लेकर हमें हिंट दिया है कि इन दोनों की मैच हो सकती है इन द नियर फ्यूचर, हु नोस. चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है WWE चैंपियनशिप मैच से. जैसे आपको पता है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच होने वाली है फॉर WWE चैंपियनशिप एट WrestleMania. और काफ़ी र्यूमर्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि ड्रू मैकइंटायर अपना मैच जीतने वाले थे WrestleMania में और बनने वाले थे न्यू WWE चैंपियन. पर इस वायरस की वजह से सब कुछ इम्प्रॉपरली हो रहा है. WWE को अपने 60,000 to 70,000 क्राउड के सामने परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से ड्रू मैकइंटायर के जीतने पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए हमें रिपोर्ट्स मिली है कि जो ड्रू मैकइंटायर की विन थी उसको पोस्टपोन किया गया है. इस साल के समर स्लैम या फिर सऊदी अरेबिया के क्राउन जूल इवेंट में ड्रू मैकइंटायर जीत सकते हैं ब्रॉक लेसनर से WWE चैंपियनशिप. और रही बात WrestleMania की, तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी ब्रॉक लेसनर हरा सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को
और रिटेन कर सकते हैं अपना WWE चैंपियनशिप। ये एक टाइप से सही डिसीजन है अगर ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले होंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल जिताया था बड़ा प्लेटफॉर्म एंड बड़ी स्पॉटलाइट देने के लिए। और अगर वो ब्रॉक को हराते हैं रेसलमेनिया में इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी अरेना, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा कि ड्रू मैकिंटायर की जो विक्ट्री है वो समर स्लैम या फिर क्राउन जूल इवेंट तक होल्ड की जाए। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपका क्या रिएक्शन है एज के शॉर्ट्स पर जो उन्होंने ली है रोमन रेंज पर, एंड सेकेंड क्या आप चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जीते और रिटेन करें अपना WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।